नमस्कार। अनेकों वारदातें हमने अपने ही समाज के अंतर होते हुए देखी हैं, जैसे आग लगना किसी भी बड़े गोदाम में बहुत ही कॉमन सी एक बात हम लोगों के बीच में कभी कभी आते दिखती है। इसी सबके चलते जो वन अधिकारी हैं जनपद हापुड़ के, उनको जो यहाँ के सीएफओ अधिकारी हैं, जो कि फायर ब्रिगेड में एक सीएफओ अधिकारी होते हैं, उन्होंने लेटर जारी करा और सुनिश्चितता मांगी कि जो बड़े गोदाम हैं या प्लाईवुड फैक्ट्री हैं तथा साथ में चल रही आरा मशीन जहाँ पर लकड़ी का बड़ा कार्य होता है, वहाँ पर क्या सुनिश्चितताएँ करी गई हैं फायर से रिलेटेड उपकरणों को लेके, क्योंकि ऐसा कुछ सामने आ रहा था कि वन अधिकारी द्वारा एनओसी जारी कर दी गई है ऐसे बड़े गोदामों या फैक्ट्रियों की, और वहां पर जबकि सुनिश्चितताएं उपकरणों की पूरी नहीं है। नेशनल न्यूज स्टोरी के अंतर्गत हम इन्हीं सारी सुनिश्चितताओं का पैमाना जांचने के लिए विभिन्न ऐसे स्थलों पर जाएंगे जहां पर हम ये देखना चाहेंगे कि वहां पर उन स्थलों पर क्या सुनिश्चितताएं फायर यदि यानी आग यदि वहां पर लगती है तो उससे निपटने के लिए क्या सुनिश्चितताएं वहां के गोदाम मालिकों ने या फैक्ट्री मालिकों ने कर रखी हैं। मैसर्स किशनचंद एंड कंपनी में आए हैं, यहां पर देखते हैं कि आग बुझाने के लिए यहां पर क्या उपकरणों का इंतजाम यहां के मालिक ने कर रखा है। देखिए आपके सामने बड़े पैमाने पर लकड़ी तो यहाँ पर रखी हुई नजर आ रही है और मशीनों पर लकड़ी कटाई का अन्य कार्य यानी प्लाईवुड फैक्ट्री है ये, यहाँ पर सारा कार्य होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी भी दीवार पर या कहीं भी अभी तक यहाँ पर फायर का कोई भी इक्विपमेंट आग बुझाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर फैक्ट्रियों का यही हाल है। आग बुझाने के नाम पर देखिए इस फैक्ट्री में ये एक छोटी सी टंकी लगाकर इसको दर्शाया जा रहा है कि ये यहाँ पर आग बुझाने के लिए एक पर्याप्त संसाधन है। देखिए ये एक सिलेंडर है इस फैक्ट्री के पास, जिससे यहाँ पर एक दावा ये रखा जाता है कि इस सिलेंडर के माध्यम से यहाँ पर आग बुझाई जा सकती है। देखिए इसी खोजी अभियान के अंतर्गत ये तीन फायर इक्विपमेंट फायर सिलेंडर अभी खोज कर निकाले गए हैं, जो कि इस टीन शेड के अंदर एक खुफिया तरीके से रखे हुए थे। ये लापरवाही है या विभागों की अनदेखी? इसी फैक्ट्री के मालिक संजय गोयल जी हमारे साथ हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैक्ट्री में हमारी डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत जब हम देखने गए कि क्या फायर की सुविधाएं आपने यहाँ कर रखी हैं, तो वो बिल्कुल जीरो बटा नील सन्नाटा जो हिंदी का एक शब्द है वो निकली। सर क्या कहेंगे, ये सुनिश्चितता क्यों नहीं है और एनओसी फिर भी आप लोगों को मिल जाती है? एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों की यहाँ पे कोशिश तो यही रहती है कि जितने भी हमें सिलेंडर वगैरह सब मिले हुए हैं उसका टाइम से रिफिलिंग वगैरह कराते रहें, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि ये जितनी भी अवेयरनेस है यूज़ तो हमारी कोई करनी है उसकी, मगर यह है कि उसकी रिफिलिंग वगैरह का आज तक भी हमें ये नहीं पता चलता कि कौन कंपनी वाले आके इसको प्रॉपर तरीके से इसकी हमारे से एनुअल मेंटेनेंस का वो कर लें और उसके बाद हमारे ये इसकी जाँच करने कोई अधिकारी आते नहीं है क्या? जाँच करने के लिए बेसिकली बीच बीच में आते तो रहते हैं, मगर उनका वही होता है तरीका कि भाई ठीक है आपने किया हुआ है, हाँ जी किया है, तो देखा भाला बोले बस आप इसको थोड़ा रिफरिंग करा लेना, हम भेज देंगे आदमी, फिर कोई बाद में कंपनी जांच करने अधिकारी आते हैं आपका कहना है, और बावजूद इसके भी यहां पर हाल जो खस्ता है इस फैक्ट्री के वो बयां करते हैं सूरत हमारे सिस्टम की। यह एक आरा मशीन पर हम खड़े हैं जो कि चंद्रकिरण शर्मा के नाम से यहां पर चलाई जा रही है और यह पहले से चल रही थी बताया जा रहा है, जो कि मैसर्स कांति प्रसाद जी के नाम से ये चलाई जा रही थी। देखते हैं यहाँ पर फायर की क्या सुविधाएं यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने कर रखी हैं इस यहाँ पर आरा मशीन के। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर कोई भी अभी यंत्र आग बुझाने का अवेलेबल नहीं है। इसी न्यूज को और आगे बढ़ाते हुए एक और आरा मशीन पर अभी हम आए हैं और यहाँ पर भी देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि फायर को बुझाने के लिए क्या यंत्र क्या सुनिश्चितताएं यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं। पर ईश्वर चंद गोयल के नाम से यहां पर ये आरा मशीन चलाई जा रही है और आपका क्या नाम है? जगदीश जी यहां के ओनर हमारे साथ हैं। इन्होंने हमारे सामने यहां पर रखे हुए चार सिलेंडर हमें दिखाए हैं कि ये सुनिश्चितता है इनके यहां पर फायर पर कंट्रोल करने के लिए ये यंत्र यानी ये जो सिलेंडर है चार ये है। देखने में हमें ये सिलेंडर खाली नजर आ रहे हैं,
बिल्कुल खाली सिलेंडर है, और ये यहाँ पर पर्ची भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पर्ची चस्पा है कि ये सिलेंडर भरे हुए हैं। आरा मशीन के ओनर हमारे साथ हैं। अभी हमने आपसे ये भी जानना चाहा कि आपके यहाँ पर पानी की यानी पानी के टैंक की क्या सुनिश्चितता है, तो क्या सुनिश्चितता है आपके पास पानी की व्यवस्था? हमारे पास सबमर्सिबल हैगा, और पानी का ये जो है ड्रम भी है हमारे यहाँ जो है। अच्छा, तो ये पानी का ड्रम और सबमर्सिबल आपने फायर, और झोड़ है हमारे पास में। आपके क्या है? हमारे पास में तालाब हैगा जो पानी। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोड़ है जिससे फायर पर पूरा कंट्रोल ये कर सकते हैं। तीन और यहाँ पर आरा मशीन लगातार जरोटी रोड, जो एक रेलवे लाइन के बराबर में एक रोड है जिसको जरोटी रोड कहा जाता है, वहां पर ये तीन और यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, आरा मशीन फैक्ट्रियां। देखते हैं यहाँ पर क्या सुनिश्चितताएं हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों की, या यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ तथाकथित झोड़ों के माध्यम से आग को बुझाने की व्यवस्था सुनिश्चित करी गई है। आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं उनको देखने का हम प्रयास करेंगे, जो कि देखिए यहां पर आपने रख रखा है। यही सारी कुछ लापरवाहियां होती हैं, अधिकारी भी लगातार जो चेक नहीं करने आते उससे भी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, जिससे कि पूरी प्रॉपर जानकारी ओनर्स को नहीं मिल पाती कि ये जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उनको दीवार पर ऐसे आपातकालीन स्थानों पर लटकाया जाना चाहिए जहां पर कि यदि कुछ हताहत होती है तो इनका प्रयोग करा जा सके। देखिए ये एक नया सिलेंडर भरा हुआ है, दो नए सिलेंडर इनके पास हैं। यहां पर आग बुझाने के यंत्र के रूप में ये दो सिलेंडर यहां पर हैं और भरे हुए भी हैं नए सिलेंडर। कम से कम यहां पर तो हमें नए सिलेंडर देखने को मिले, बावजूद इसके जो कहना चाहिए कि इनको दबा के यहां पर रखा हुआ है। एक और आरा मशीन पर हम हैं, जो कि लाइसेंस आरा मशीन्स मैसर्स नितिन चौहान, आपके सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। देखते हैं यहां पर क्या इन्होंने सुनिश्चितता कर रखी है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन का ध्यान यहां पर लाना चाहेंगे, तो यहां पर एक सिलेंडर, एक ही सिलेंडर है आपके पास, यहां पर भी दो सिलेंडर, यहां पर भी कम से कम दो सिलेंडर हमें नए लग रहे हैं देखने में, और सील्ड भी है, गैस पूरी है। यहां पर भी दो सिलेंडर की व्यवस्था, यहां पर एक इतनी बड़ी फैक्ट्री में दो सिलेंडर की व्यवस्था यहां पर आपने कर रखी है। क्या जांच करने भी यहां पर कोई अधिकारी आते हैं आपके पास? तो वो अधिकारी इस सुनिश्चितता को पूरा मानते हैं, वो कहते हैं कि सही है ये। फायर ब्रिगेड से अधिकारी आते हैं, आते हैं वो चेक करते हैं। आपके सामने है कि फायर ब्रिगेड से आपका कहना है लगातार जांच के दौरान यहाँ पर अधिकारी आते हैं, और वो अधिकारी ये मात्र 5-5 किलो के दो सिलेंडर की सुनिश्चितता को पूरा मानते हुए आपको लगातार NOC भी प्रोवाइड करवाते हैं। मैसर्स टेकचंद के नाम से एक आरा मशीन, मैसर्स टेकचंद के नाम के अंतर्गत एक फर्म यहाँ पर चलाई जा रही है। देखते हैं यहाँ पर फायर की क्या सुविधाएं हैं। शायद उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं पूर्ण रूप से मिलेंगी, कहीं तो मिलें। ये इस एक छोटे से कमरे के अंदर यहाँ पर दो सिलेंडर लगा रखे हैं, लेकिन फायर के रूल्स के अनुसार ये सिलेंडर बाहर ओपन एरिया, क्योंकि इनका ज्यादा बड़ा है, वहां पर होने चाहिए थे और गेट के पास होने चाहिए थे। लेकिन ज्यादातर अगर सिलेंडर मौके पर मिल भी रहे हैं तो दो दो सिलेंडर की सुनिश्चितताएं ही मुझे ऐसी बड़ी आरा मशीनों में या फैक्ट्री में मिल रही है, जो कि पर्याप्त मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल रूप में हमको यहाँ पर ये एक टैंक रखा हुआ दिखाया गया है, जो कि समरसेबल भी, समरसेबल की पाइपलाइन यहाँ दिखाई गई है, और इसको प्रॉपर रूप से फायर बुझाने के लिए एक कंट्रोलेबल इक्विपमेंट के रूप में हमें दिखाया जा रहा है कि देखिए ये एक टैंक है जिससे कि यहाँ पर पूरी इस फैक्ट्री की आग बुझाई जा सकती है। सारे जियोज और शासनादेश के अंतर्गत जो भी रूल होते हैं उनकी धज्जियां उड़ती हुई यहां पर देखी जा सकती हैं।